हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि अब नया साल स्टार्ट हो गया है, 2024 आ गया है, सो आपको पता है मेरी अभी एक छोटी सी बच्ची है जो अभी 3-4 महीने पहले ही हुई है। तो उसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट आप मंगाया है जो कि मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे इतना ज़्यादा यूज़फुल लगता है कि मैं रह नहीं पाई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अभी मैंने मंगाया है, 2-3 दिन ही हुए हैं उसको आए, मैंने उसको इंस्टॉल किया एंड उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। वो तो मैं आपको बता दूँ, वो जो प्रोडक्ट है वो मेडिटिव ब्रांड का फीडिंग चेयर है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगी कि ये और अदर ब्रांड से किस तरह से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए बिना किए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो जो भी आपके घर में अभी न्यू बॉर्न बेबीज हुए हों और 6 महीने के हो रहे हों, बैठने लग रहे हों, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ओके गाइस, तो देखिए आपके सामने ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सी सुंदर सी चेयर जो कि मेडिटिव ब्रांड की है, और ये 4-in-1, आप इसको 4-in-1 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो चेयर है इस पे मैं कवर लगा रही हूँ, ये कवर भी इसी के साथ मिलता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये कवर है। अब इस चेयर के साथ आपको एक फ़ूड ट्रे मिलती है, फ़ूड ट्रे के साथ आपको एक फ़ूड ट्रे कवर भी मिलता है। तो ये जो फ़ूड ट्रे है ये आप बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कई सारे यहाँ पे आपको एडजस्टिंग के ये बटन मिले हुए हैं। जैसे ही आपका बच्चा छोटा बड़ा होता है उस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फ़ूड ट्रे कवर है ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग पार्ट है, आप अपने बच्चे को इसमें फ़ूड रख करके दे सकते हैं, वो खा सकता है, उसके बाद आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको असेंबल करके दिखाती हूँ। इसमें जो लेग है वो बहुत ही इजी है असेंबल करना। सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल चेयर बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके लेग को आप इजीली अंदर, यहाँ पे होल है आप अंदर डालेंगे तो ये इजीली यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो बटन है ये ऊपर आएगा और एक कट सी आवाज़ आएगी तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो ये लेग है वो अच्छे से फिट हो गया है। इसी तरह करके यहाँ पे मैंने चारों लेग जो है वो खड़ा लगा लिया है और ये बहुत ही स्टेडी, इसके जो लेग हैं वो बहुत स्टेडी हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको फुट रेस्ट भी मिलता है, जिससे कि बच्चे जब इसमें बैठते हैं तो लेग सपोर्ट करने के लिए आपको आराम से यहाँ पे फुट रेस्ट मिल जाता है। बच्चे इस पर पैर रख करके आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे तैयार है हमारी फीडिंग चेयर जो कि बच्चे इसमें बैठ करके बहुत इंजॉय करते हैं। अगर आप कोई एक अच्छी फीडिंग चेयर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस चेयर पे एक बार ज़रूर इन्वेस्ट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये देखिए चारों तरफ से मैं आपको इसको घुमा के दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो बैठ करके देखिए कितना इंजॉय कर रही है, बहुत खुश हो रही थी वो इस पर बैठ करके। तो अगर आपका बच्चा खुश है, आप खुश हैं, तो और क्या चाहिए है। और यहाँ पे देखिए आप बॉटल रखने की स्पेस भी मिलती है जिसमें बच्चा आराम से फीडिंग के टाइम अपने बॉटल को भी रख सकता है और यहाँ पे अपने खाने को भी इंजॉय कर सकता है। तो अभी तो मैंने आपको ये नॉर्मल चेयर दिखाया था, चलिए अब इसको हाई चेयर बना लेते हैं। नॉर्मल से हाई चेयर बनाना भी बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए जो इसके लेग्स दिए हुए हैं दोनों को अटैच करते हुए इसी होल में आपको डाल देना है और ये नॉर्मल से हाई चेयर जो है वो बन जाएगी। बहुत ही ईजी है, आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमारी हाई चेयर जो है वो बन गई है और यहाँ पे ईरा बहुत इंजॉय कर रही है, अपनी चेयर में बैठ करके खुश हो रही है। तो इस चेयर में बच्चा जब बैठ करके अपनी फीडिंग स्टार्ट करता है तो उससे बच्चा बहुत इंजॉय करता है एंड उसकी जो बैक है वो भी स्ट्रेट रहती है और जो उसकी फीडिंग जर्नी होती है वो और ज़्यादा आसान बन जाती है। तो बच्चे जब इस चेयर पर बैठ के खाना खाएंगे तो वो खुद खाना खाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे और वो अच्छे से यहाँ पे अपने खाने को एंजॉय कर पाएंगे। अब ये यहाँ पे जो ये व्हील मिलता है, ये वाला जो पार्ट है, ये मुझको और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मेरी दोनों ही बेटियाँ इस पार्ट को बहुत इंजॉय करती हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी छोटी बेटी जो है वो बैठ करके कितना मज़ा कर रही है। ये बच्चे का प्ले टाइम भी हो जाता है, इसमें बैठ करके आप बच्चे को घुमा सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा खुश हो रही है मेरी बेटी। तो चलिए बात करते हैं कि जो इसके व्हील्स हैं उसको कैसे असेंबल करना है। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए पीछे आपको होल दिया हुआ है, बस आपको इसके व्हील लेकर के अंदर प्रेस कर देना है और बस आपका जो व्हील वाली चेयर है वो तैयार हो जाएगी। बच्चे इस फेज को बहुत इंजॉय करते हैं। मेरे कहने पर अगर आप ये चेयर परचेज़ करते हैं तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे, आपको ये चेयर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं तो बोलूँगी ये तो चेयर मेरे लिए बेस्ट होने वाली है। आगे आने वाली लाइफ में मेरा ये जो फीडिंग
रीडिंग टाइम स्टार्ट होगा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी बनने वाली है। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी अमेज़ॉन की, जहाँ से मैंने परचेज़ किया है, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको कहीं कैरी करके कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीछे आपको ये स्पेस मिलती है जहाँ पर आप इसके सारे लेग को फोल्ड करके रख सकते हैं और आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इंडियन ब्लॉगर बुलबुल के चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।